करतब दिखाने वाले दूसरे लोग उनके दोस्त थे, परिवार थे, यही उनका घर था। उस दिन करतब दिखाने से पहले राजी अपने भाई को एक और लेकर गई। क्या तुम भूल गए छोटे भाई, उसने भाई से पूछा, और उसने भाई के हाथ पर राखी बांध दी, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। हालांकि ये त्योहार का दिन था, लेकिन तब भी उन्हें पैसे कमाने थे, इसलिए राजी रस्सियों पर चली और दर्शकों को करतब दिखाया। और गोलू प्राचीन समय की कठपुतलियों की कहानी सुना रहा था, जब असुरों ने उस धरती पर कदम रखे। बहुत समय पहले की बात है, एक असुर ने तपस्या की। ऐसी साधना को देखकर ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दिया और दिया एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र। उसे पाने के बाद उसने सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाया। भूमि देवी ने उसे रुक जाने के लिए कहा। उसने भूमि देवी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इससे भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना पैर पटका और महाद्वीप अलग हो गए। साथ ही असुर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वो बोला, आसमान में अंधेरा छा गया और पृथ्वी कांपने लगी और असुरों जैसे दिखने वाले लोग भीड़ में से निकलने लगे। लेकिन ये मुखौटे नहीं थे और ये बच्चों की कहानी नहीं थी। जैसे ही असुर सबको मारने आए, राजी ने अपने भाई के पास जाने की कोशिश की। उसे चोट लगी थी और वो डरा हुआ था, और वो जानती थी कि उसे अपने भाई को बचाना ही होगा। लेकिन राजी तब हार गई जब गड़ासुर के असुर गोलू को ले गए। राजी, जागो मेरी बच्ची। जगह है
बहुत ही छोटी है। एक बच्ची, भगवान शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। क्या ये शक्तिशाली है? ये तो समय बताएगा। उसके भाई और दूसरे बच्चों को गदासुर ले गया। मैंने उससे कहा था कि उसे शक्तिशाली बनना होगा। उसकी यात्रा अनजानी और बहुत मुश्किलों से भरी होगी। मैंने उसे आशीर्वाद में त्रिशूल दिया है, मेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो भगवान शिव ने मुझे दिया था। इस त्रिशूल और राजी की खुद की पवित्रता और शक्ति से उसके भाई की जिंदगी बच जाएगी। बिल्कुल शांत नहीं है, वो दिल से सोचती है। वो अंधेरी गुफा में बिना डर के चलती है, वो खंभों पर चढ़ती है, वो एक देवी के सामने बिना किसी डर के खड़ी है। हर हर महादेव। उसके अंदर एक आग है। हाँ, इसे खुद को संभालना होगा, लेकिन इस आग के बिना ये पहले ही हार मान चुकी होती। बहुत से मानव इस तरह बहादुरी से नहीं चढ़ पाते। हमारी राजी को ऊंचाई से डर नहीं लगता, देखिए। उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खंभे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है।
अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना पड़ेगा। उसने त्रिशूल पकड़ा और वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव से आशीर्वाद मिला था और ये उसके भयानक शत्रु का सामना करने में उसकी सहायता करेगा। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसे धारण करने से पहले उसे शक्ति, हिम्मत और भरोसे की जरूरत होगी। अपनी धड़कन सुनो, युद्ध के नगाड़े जैसी। अपने दिल की सुनो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। लड़ो राजी, योद्धा बनो। दे दी है, अब वो उसे खत्म कर देगी।
दरवाजा कमजोर है और त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। देखा मेरी बच्ची, वे तुम्हारे जितने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन सभी दुश्मन तुम्हें इतनी आसानी से जीत नहीं देंगे। इसे देखो, वो करतब दिखाती है हमारी राजी। देखिए वो क्या कर सकती है।